का फूल भी है। आजकल शादियों के अंदर 80% फूल जो है ये प्लास्टिक का फ्लावर लगाया जा रहा है, और उसके अंदर जो है उसकी वजह से किसानों का फूल फ्रेश फ्लावर नहीं बिक रहा। आढ़ती भी परेशान है हमारे गाजीपुर मंडी का, और किसान भी परेशान है। किसान फूलों की खेती छोड़कर सब्जी की खेती की तरफ जा रहा है, सब्जी में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है। लाखों रुपए का लोन किसान ने गवर्नमेंट से ले रखा है, कहाँ से पूरा करेगा? अपनी ज़मीन बेच के भी वो गवर्नमेंट का कर्जा नहीं उतार सकता। कारण यह है कि चाइना से आने वाले फ्लावर उन पर 30% की ड्यूटी है, और जो और दूसरे असली फूल आते हैं उन पर 64% की ड्यूटी है। देखिए जी, मैं फूलों की खेती में मेरी दूसरी पीढ़ी है। पहले हम करते थे, पहले बहुत अच्छा व्यापार था, जो फूलों में हमारी जो रिटर्न आती थी बहुत बढ़िया आ रही थी। सबसे बड़ी पहली बात तो जितना फूल में किसान है वो सब छोटी ज़मीन वाला है, छोटे जो 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे वाला किसान है। अब हमारे पास ज़मीनें कम है, बड़ी खेतियां तो कर नहीं सकते, मैं जैसे गन्ना गेहूं वगैरह नहीं कर पाएंगे, इसी में कर रहे हैं। आज के पिछले कुछ टाइम से, ज़्यादा नहीं 5-7-10 सालों से हमारा फूल ही नहीं बिकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले हमारा क्या होता था, पहले फूल आता था 100% बिक जाता था। हमारे आढ़ती लोग हमें फ़ोन कर देते थे कि आज थोड़ा और ज़्यादा कटिंग करा लो। आज हमारा आढ़ती फ़ोन करता है, थोड़ा कम लेगा ना, मार्केट में सेल नहीं है, कम माल कम बिकेगा। आज से पहले दूसरी तरफ हमें सरकार का नहीं समझ में आ रहा, सरकार एक तरफ तो एक हाथ से हमें दे रही है, दूसरे हाथ से छीन रही है। उद्यानिक बागनी में सब्सिडी ले लो, आपको सब्सिडी मिलेगी, पोली हाउस बनाओ। इसमें क्या होता है, कहते हैं कि आपको ये वैज्ञानिक तरीके खेती होगी, ऐसा होगा। उसमें क्या है कि एक एकड़ में लगाने के लिए कम से कम 50 लाख का खर्चा आ रहा है। अब आदमी पर हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, बैंक से लोन लेना पड़े। हालत ये आएगी इन प्लास्टिक के फूल आने से, आढ़ती लोगों के पास फूल जा रहे हैं, वो कहना है कि भाई फूल बिक नहीं रहा, अपना क्यों नहीं बिक रहा। कह रहा भाई, इसका कारण ये है कि प्लास्टिक के फूल बहुत आ चुके हैं। ये बताते हैं चाइना वाइना से इम्पोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो प्रोत्साहित करनी है कि आप फूलों की खेती करो, सरकार उसको अनुदान भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रेट सही नहीं मिलते। रीजन उसका ये है कि आर्टिफिशियल फ्लावर चाइना से बहुत ज़्यादा आ रहा है।